आज जो है पिछली क्लास में इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बताया गया था। इसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का ये जो ऑब्जेक्ट था, 10 हम लोगों ने 10 एग्जाम्पल लिए हुए थे और 10 एग्जाम्पल का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोगों ने किया हुआ था। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको इंडस्ट्री में ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही यूज होता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, ये आपको उसमें यूज होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही आपको यूज होता है, तो वो आपको था। और दूसरा है आपको दूसरे तरह का जो ड्राइंग है वो आपको पिक्टोरियल ड्राइंग है। पिक्टोरियल ड्राइंग का मतलब है इस तरह का ड्राइंग जो कॉमन मैन अंडरस्टैंड कर सके, उसको पिक्टोरियल ड्राइंग बोलते हैं। ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वो कॉमन मैन समझ नहीं पाएगा, वो उसके लिए इंजीनियर ही चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, जिसको टॉप व्यू का, फ्रंट व्यू का, साइड व्यू का जिसको नॉलेज है, वही जो है समझ पाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। टॉप व्यू जानता हो, टॉप व्यू के बारे में जानकारी हो, फ्रंट व्यू के बारे में जानकारी हो, वही समझ पाएगा। तो पिक्टोरियल ड्राइंग में आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ द पिक्टोरियल ड्राइंग है, इसको थ्री डायमेंशनल ड्राइंग बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल ड्राइंग बोलते हैं। और इसमें जो है किसी भी शेप का आपको ऑब्जेक्ट को दिखाना होता है तो पिक्टोरियल ड्राइंग किया जाता है। किस तरह का शेप नजर आएगा उसको पिक्टोरियल ड्राइंग बोलते हैं। तो ये तीन तरह के होते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ऑब्लिक ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, है ना। ये तीन तरह के होते हैं, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ये आपको ऑब्लिक ड्राइंग है, और ये आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग है ना। तीन तरह का ये पिक्टोरियल ड्राइंग होता है। पिक्टोरियल ड्राइंग में देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट का सही शेप क्या है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाई देता है। यहाँ पर आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आपको सही शेप आपको ड्राइंग आपको दिखाई देता है। ऑब्लिक ड्राइंग में आपको सही शेप आपको दिखाई देता है। सिमिलरली पर्सपेक्टिव ड्राइंग में आपको सही शेप आपको दिखाई देता है। तो इसमें आपको इसका एप्लीकेशंस क्या है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग जो यूज किया जाता है वो सिविल इंजीनियरिंग का ड्राइंग में जनरली यूज किया जाता है। किसी बिल्डिंग को दिखाना है, बिल्डिंग का शेप को दिखाना है, तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग यूज किया जाता है। आप पब्लिक को दिखाएंगे कि 4 मंजिल इमारतें बन रही है, 5 मंजिल इमारतें बन रही है, फ्लैट बन रही है, तो वो पिक्टोरियल ड्राइंग उसको समझ में आएगा। जो आपको दूसरा आपको ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग से वो समझ नहीं पाएगा कि किस तरह का पिक्चर है। एड में आपको वो आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग का आपको यूज होता है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है आपको मशीन शॉप में और मेटल वर्किंग ट्रेड में यूज होता है, और पर्सपेक्टिव ड्राइंग आपको सिविल ड्राइंग में आपको यूज होता है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आइसो का मतलब है 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ एन एंगल एट 120 ईच अदर, है ना। आइसो का मतलब है 3 एक्सिस होगा आपको 120 डिग्री पे, आपको यहां पर देखिए एक्सिस दिया हुआ है ना। आइसोमेट्रिक है ये, 120 डिग्री के एंगल पे 3 एक्सिस दिया हुआ है, और तीनों एक्सिस में एक को एक्स एक्सिस माना जाता है, दूसरे को वाई एक्सिस माना जाता है, तीसरे को जेड एक्सिस माना जाता है ना। तीनों को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस माना जाता है। और इसमें जो आपको ड्राइंग किया जाता है, आपको यहां से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप यहां पे बना देंगे तो आपको ये 30 डिग्री आपका मिल गया, ये आपको 30 डिग्री मिल गया, और ये जो जेड एक्सिस है यहां पर आपको ड्रॉ किया जाता है, है ना, यहां पर ड्रॉ किया जाता है। तो क्यूब का आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग यहां पर आपको दिखाया गया है।
ये आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको दिखाया गया है। पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ये पहले 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 30 डिग्री का एंगल बना करके आपको डिफरेंट टॉप व्यू ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू इधर बनेगा और साइड व्यू यहां पे बनेगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, है ना। ये देखिए आपको, ये आपको हाइट होगा, ये आपको लेंथ होगा और ये आपको विड्थ होगा। लेंथ विड्थ हाइट आपको तीन चीज आपको दिया हुआ है, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आपको कंप्लीट क्यूब का आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। आपको एक कंप्लीट क्यूब का आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको यहां पर दिखाया गया है। तो ये आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आपको 30 डिग्री का एक्सिस में, 30 डिग्री का आपको एक्सिस में आपको एक्स इधर ड्रॉ करेंगे, वाई इधर ड्रॉ करेंगे और जेड इधर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह ये क्यूब का आपको बनाया हुआ है ना। दूसरा आपको शेप्ड ब्लॉक का यहां पर बनाया हुआ है, देखिए उसमें आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। ये आपको फिर एक्स एक्सिस में इधर करेंगे, वाई एक्सिस में इधर करेंगे, फिर जेड एक्सिस में इधर करेंगे, फिर एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में आपको फिर इसी तरह जो है आपको शेप्ड ब्लॉक का आपको दिखाया गया है ना। तीसरा ड्राइंग आपको स्टेप्ड ब्लॉक का यहां पर दिखाया गया। तो जो भी आपको डायमेंशन है एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का, उसी तरह लगातार हम जो है बढ़ते जाएंगे तो आपको ये आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो आपको यहां पर आपको दिखाया गया, ये आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखाया गया है ना। ये आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। दूसरा ये देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, बॉक्स मेथड ऑफ ड्राइंग ए पिरामिड। ये पिरामिड है, इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। और इसको जो है आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो आपको दिखाना है आपको, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, देखिए है ना। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आपको यहां पर आपको दिखाया गया ये आवाज नहीं जा रही है सर। हाँ आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ये पिरामिड है, पिरामिड का ही यहाँ पर आपको बनाया गया है, आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाया गया है ना। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू आपको पिक्टोरियल ड्राइंग है, पिक्टोरियल व्यू है, जिसमें आपको थ्री डायमेंशनल व्यू जो बोलते हैं वही आपको आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू से ही जो है आम पब्लिक को समझ में आता है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है ना। तो वहां पर आपको जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है ना। ये 30 डिग्री का एंगल ले लिया और फिर जेड एक्सिस इधर ले लिया, आइसोमेट्रिक एक्सिस 180 डिग्री का हो गया है ना। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई और ये जेड, क्यूब के आपको ये एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, फिर एक्स हो गया, वाई हो गया, फिर इस जेड को यहां से आपको मिला दिया, ये आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। ये समझ में आ गया आपको? जी सर। हाँ ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, आपको इसी तरह जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है आपको बनाते हैं, है ना। आइसोमेट्रिक ड्राइंग का आपको ये सारा फिगर उसी का दिया हुआ है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग का आपको यहाँ पर आपको बनाया गया है। प्रैक्टिस ऑफ द आइसोमेट्रिक ड्राइंग, देखिए यहाँ पर ड्रॉ द आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्रिज बेस 30 mm इन द 40 mm एंड द हाइट 60 mm, है ना। तो यहां पर ये आपको बेस है और ये 15 है, ये 50 है। देखिए इसमें क्योंकि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड होता है तो उसका डायमेंशन आपको घट जाता है,
तो उसको आइसोमेट्रिक स्केल बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे 40 को इसने 30 ले लिया है, 30 को 15 ले लिया है और 60 को 50 ले लिया है, आइसोमेट्रिक स्केल है ना 0.6 होता है। तो ये देखिए, ये फिर आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग बनाया हुआ है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग ऑफ ए स्टेप्ड ब्लॉक, ये आपको फिगर में आपको स्टेप्ड ब्लॉक आपको दिया हुआ है ना, स्टेप्ड ब्लॉक आपको आपको दिया हुआ है, उसी का आपको आपको बनाना है ना। दूसरा देखिए, ये आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग बनाया हुआ है, आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग बनाया हुआ है, तो करना क्या है इसमें, एक तो यहां पर आपको एक्स वाई लाइन ले लेना है, फिर 30 डिग्री का आपको एंगल बना लेना है, फिर एक्स ले लेना है, फिर वाई ले लेना है, फिर आपको जेड ले लेना है। हाँ सर, आए सर, आर नहीं रहा है क्वेश्चन, है ना, है ना, एक्स ले लेना है, वाई ले लेना है और जेड ले लेना है। तो ये सारे आपको आपको जो है आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, आपको यहाँ पर आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग ऑफ ए वी ब्लॉक, ये डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो है आपको वी ब्लॉक का बना दिया है ना, ये आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग आपको बनाया हुआ है। किस तरह बनाना है वो मैं आपको पहले ही आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग का आपको यहां पर आपको एक्सिस में आपको मैं आपको समझाया था, है ना, यहां पर आपको समझाया था आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग का, है ना, ये आपको आइसोमेट्रिक एक्सिस है, आइसोमेट्रिक एक्सिस है और 30 डिग्री का ये लाइन लेना है, दो लाइन लेना है और ये परपेंडिकुलर लाइन लेना है, ये आपको जेड एक्सिस हो गया, है ना, ये आपको जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ये एक्स वाई और ये जेड हो गया, है ना। तो इसमें आपको एक्स कोऑर्डिनेट इधर, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, जैसे जैसे वहां पर है उसी तरह का आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग जो है आपको सभी का यहाँ पर आपको दिखाया गया है, वी ब्लॉक का यहाँ दिखाया गया है ना, आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग आपको दिखाया गया है ना, यहां भी वही कह रहा है। तो ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू फॉर ए गिवन ऑर्थोग्राफिक व्यू, ये आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया हुआ है और उसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको बनाना है, तो आपको मेथड वही आपको एडॉप्ट करना है जो उसमें आपको एड दिया हुआ था, ये आपको दिया हुआ है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू आपको दिया हुआ है, ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया हुआ है ना। दूसरा तरह का ड्रॉइंग है पर्सपेक्टिव ड्रॉइंग है, पर्सपेक्टिव ड्रॉइंग, पर्सपेक्टिव ड्रॉइंग देखिए आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, इसमें क्या होता है ना, एक पॉइंट ऑफ द सोर्स होता है, इसको ये पॉइंट ऑफ द सोर्स हो गया, जो आदमी एक्चुअल रियल में देखता है ना उसको पर्सपेक्टिव ड्रॉइंग बोलते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट जो आप, तो इसका कहां पर उपयोग किया जाता है सर? ये आपको सिविल में उपयोग किया जाता है, सिविल में, अब मान लिया कोई बिल्डिंग को देखना है तो किस तरह का जो बिल्डिंग दिखेगा, जैसे आपको रेलवे लाइन जो है बनाना है तो रेलवे लाइन किस तरह का दिखेगा, तो वो आपको दिखा आपको दिखाना पड़ता है। एड में आपको ऑर्थोग्राफिक से आम पब्लिक को समझ में नहीं आएगा कि कैसा बिल्डिंग बनेगा नहीं बनेगा, तो ये बिल्डिंग जो है बाहर से कैसा नजर आएगा नहीं आएगा, उसके लिए आपको पर्सपेक्टिव ड्रॉइंग आपको बनाना पड़ेगा, है ना, इसको पर्सपेक्टिव ड्रॉइंग बोलते हैं। ये बिल्डिंग मतलब घर का, हाउस का है सर क्या? हाँ देखिए, यहाँ पर आपको इसमें आपको वैनिशिंग पॉइंट होता है और ये जो है आपको डायमेंशन पे आपको यहाँ पर जो है यहाँ से लाइन खींचा जाता है, फिर इसके बाद आपको आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग ये आपको समझाया गया है ना, यहाँ पर आपको समझाया गया है पर्सपेक्टिव ड्राइंग का, आपको वो समझाया गया है पर्सपेक्टिव ड्राइंग का, आपको ज्यादा इंडस्ट्री में यूज नहीं है, उसका जो घर वगैरह बनाने का उसके लिए यूज किया जाता है।
दूसरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो बीआईएस एसपी 46 में है, ये जानना जरूरी है कौन सा मटेरियल को किस तरह का डिनोट करते हैं। तो यहां पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द फास्टनर्स के बारे में, बार्स एंड प्रोफाइल सेक्शन के बारे में, वेल्ड एंड ब्राजेस सोल्डरिंग ज्वाइंट्स के बारे में, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आपको फिलेट अंडर हेड इसको बोला जाता है, बीरिंग सरफेस इसको बोला जाता है, बीरिंग सरफेस वासरेट बोला जाता है, बॉडी डायमीटर बोला जाता है, ये चैम्फर बोला जाता है, ये लेंथ बोला जाता है, ये आपको नट बोल्ट का आपको यहाँ पर आपको आपको ड्रॉइंग है ना, नट्स का जो ड्रॉइंग बनाते हैं ये आपको नट का ड्रॉइंग है, जो कन्वेंशन है कन्वेंशन आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया, ये एक्सटर्नल थ्रेड आपको यहाँ पर दिखाया गया, ये एक्सटर्नल थ्रेड है, एक्सटर्नल थ्रेड को ड्रॉइंग में इस तरह दिखाते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड को यहां पे पैरेलल लाइन खींच देते हैं, है ना, दो एमएम का गैप में पैरेलल लाइन खींच देते हैं और इसमें एक व्यू में आपको एक सर्कल बना देते हैं और गैप छोड़ देते हैं, है ना, ये एक्सटर्नल थ्रेड को दिखाया गया है, एक्सटर्नल थ्रेड को ड्रॉइंग में आप इसी तरह दिखाएंगे, एक्सटर्नल थ्रेड को आप इसी तरह दिखाएंगे। दूसरा इंटरनल थ्रेड को इस तरह दिखाया जाता है, दिस आर द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनल थ्रेड, है ना, सेक्शन लाइन क्रॉस द थ्रेड, है ना, ये आपको इंटरनल थ्रेड आपको दिखाया गया है, ये आपको सेंटर लाइन है और ये आपको ये इंटरनल थ्रेड का जो है 2 mm लाइन इस तरह दिखाया जाता है, ड्राइंग में इस तरह का थ्रेड आपको नहीं दिखाया जाता, ये आपको कन्वेंशन है, ये आपको इस तरह दिखाया जाता है, साइड व्यू में इस तरह का सर्कल बनेगा, है ना, बाहर से देखिए इसमें आपको है, इसमें अंदर से सर्कल है, एक्सटर्नल में अंदर से सर्कल है, है ना, एक्सटर्नल में अंदर से सर्कल है और इंटरनल थ्रेड में बाहर से सर्कल है, है ना, तो ये आपको इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड आपको दिखाया गया है, इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। दूसरा जो हेक्सागोनल नट है, हेक्सागोनल नट का ड्राइंग आपको इस तरह बनता है, हेक्सागोनल नट ये आपको व्यू आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, हेक्सागोनल नट का आपको किस तरह का डायमेंशन है, हेक्सागोनल नट का यहां पर आपको सारा दिखाया जा रहा है, 15 से 30 डिग्री का यहां पर डायमेंशन है, यहां पर एम है और यहां पर एम डैश है, ये आपको डी है, आपको ये हेक्सागोनल नट के बारे में दिखा रहा है। दूसरा रिवेट्स जो यूज होता है, आप रिवेट्स को आप ब्रिज वगैरह में देखे होंगे, ये आपको इसका डायमेंशन इस तरह का है, अगर डी इसका डायमीटर है 60 डिग्री पे ये एंगल बनेगा और ये 1.25D होगा, ये 1.6D होगा, ये 0.7D होगा, है ना, तो ये आपको रिवेट्स के बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है, फ्लैट हेड रिवेट है, ये काउंटर संक हेड रिवेट है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है ना, तो ये आपको रिवेट्स का कन्वेंशन है। दूसरा ज्वाइंट्स का कन्वेंशन आपको यहां पर सारा ज्वाइंट्स का कन्वेंशन आपको दिया हुआ है, ड्रिल इन द वर्कशॉप, एक्सेल व्यू इस तरह होगा, लेटरल व्यू इस तरह होगा, है ना, फिटेड इन द वर्कशॉप यहां पर इस तरह का होगा, ये आपको कन्वेंशन आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, कन्वेंशन दिखाया गया है। रेक्टेंगुलर बार्स को इस तरह दिखाया जाता है, आई सेक्शन को इस तरह दिखाया जाता है ना, अनइक्वल एंगल को इस तरह दिखाया जाता है, स्क्वायर ट्यूब्स को इस तरह दिखाया जाता है, ये सारे ड्राइंग में बनता है सर क्या, ये आपको ड्राइंग का सिंबल है, अच्छा सिंबल है ना, हाँ ये सिंबल है, एच सेक्शन को इस तरह दिखाया जाते हैं, रेक्टेंगुलर ट्यूब्स को इस तरह दिखाते हैं, ये चैनल को इस तरह दिखाते हैं, सर्कुलर ट्यूब्स को इस तरह दिखाते हैं, ये आपको सिंबल है, ड्रॉइंग में जो यूज करते हैं सैंबल, वो आपको सैंबल आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना, ये आपको वेल्डिंग का सैंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेल्डेड ब्रांच्ड एंड शोल्डर ज्वाइंट, है ना,
ये आपको सैंपल है जो आपको ड्राइंग में आपको यूज होता है, फिलेट फिलेट ज्वाइंट का आपको सैंपल ये है, स्क्वायर बट का ये सैंपल है, स्क्वायर बट इस तरह का हो, बट ज्वाइंट इस तरह का होता है, सिंगल भी बट ज्वाइंट इस तरह का होता है उसका सैंपल ये है, डबल भी बट ज्वाइंट इस तरह का होता है उसका सैंपल ये है, सिंगल यू बट ज्वाइंट इस तरह का होता है उसका सैंपल ये है ना। तो ये सैंपल आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना, और ये पोजिशनिंग ऑफ द वेल्डिंग सैंपल, यहां पर आपको वेल्डिंग का सैंपल ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, ज्वाइंट कहां पे करना है, एरो लाइन देते हैं, फिर रेफरेंस लाइन देते हैं, फिर सैंपल देते हैं, फिर एरो साइड देते हैं वेल्डिंग का है ना। तो जितने भी तरह के ज्वाइंट हैं सभी का आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, सिंगल यू डबल यू बट ज्वाइंट सभी का सैंपल आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना, सभी का आपको सैंपल आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना, शोल्डर ज्वाइंट उसके उसका सैंपल आपको यहां पे दिया हुआ है, और ब्रास्ट एंड शोल्डर ज्वाइंट उसका आपको यहां पर आपको दिया हुआ है ना, ये आपको सैंपल आपको दिया हुआ है। दूसरा सैंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, ये ड्राइंग में जो सैंपल यूज किया जाता है वो आपको यहां पर दिया हुआ है, डीसी का सैंपल ये है, एसी का सैंपल ये है, पॉजिटिव का ये है, निगेटिव का ये है, ये सिंगल फेज का है ना, है ना, ये थ्री फेज का सैंपल है, ये एसी डीसी का सैंपल है, ये थ्री फेज लाइन का सैंपल है, ये आपको जो आपको ड्राइंग में यूज किया जाता है ये आपको सैंपल यहाँ पे आपको दिखा रहा, अर्थ का सैंपल ये है, आपको ये सैंपल जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जो यूज होता है उसके बारे में आपको दिखा रहा है, सेल का सैंपल दिखा रहा है, बैटरी का सैंपल दिखा रहा है, ये भी तो किटरे का है सर। हाँ हाँ, ये सारे वो जो आपको ड्राइंग में जितने यूज किए जाते हैं ये आपको सिलेबस ड्राइंग का ही है, ये बुक आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है ना, फिटर का ही है, कहाँ भेजा है सर, पीडीएफ पहले भेजा हुआ, अच्छा आज मैं फिर से दोबारा भेज दूंगा, इसका भेज दीजिएगा सर, और वे मतलब थोड़ा सा हाथी का जो औजार का नाम रहता है सर, हमारा टूल का नाम, टूल का नाम तो का नाम वो फिटर थ्योरी में रहेगा, वो ये तो ड्राइंग है ना, अच्छा जी सर, ये तो ड्राइंग है ना, तो ड्राइंग में आपको वो औजार का नाम नहीं रहेगा, वो फिटर थ्योरी में रहेगा, तो फिटर थ्योरी वाला भी मैं उस वो भी भेज दूंगा आपको, ठीक ठीक है ना। तो ये सैंपल जो आपको ड्राइंग में यूज होता है, अल्टरनेटर का, जनरेटर का, डीसी मोटर का, ये सारे आपको ये सैंपल आपको दिया हुआ है ना, ये आपको एसी मोटर सिंगल फेज, थ्री फेज स्क्वायरल केज, थ्री फेज स्लिप रिंग गेज है ना, सेलिंग रोज, ओवरहेड लाइन, एरियल, वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, लैंप, उसको उसके बारे में ये आपको बता रहा है ना, ये इंजन ड्राइंग का आपको सैंपल बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है जो इलेक्ट्रिक बेल, बजर, कॉन्टैक्ट, रेक्टिफायर, ट्रिम रेडर, उसका ये सैंपल बता रहा है, चोक, ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, सिलिकन बायलेटरल स्विच, इसका जो है वो आपको बता रहा है ना, ये सारे सैंपल है, आप इसको याद रखना भी जरूरी नहीं है, वो आप जो है सैंपल को एक बार जानना जरूरी है कि किस तरह का होता है, ये देखिए पाइप का पाइपिंग ज्वाइंट्स में से आपको फिटिंग के लिए पाइपिंग ज्वाइंट्स में किस तरह का सैंपल्ड होता है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया, प्रैक्टिकल करने के बाद ज्यादा संभव होगा सर क्या। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल जब तक ड्राइंग बनाएंगे नहीं तो कहाँ से होगा क्लियर। वही बात, उस दिन जो कर रहे थे वो भाई साहब तो वो प्रैक्टिकल मतलब पहले कहीं कंपनी में कर रहा था सर क्या। हाँ हाँ, बिफोर इसके पहले जो लिए थे क्लास वे कहीं जो सवाल पूछ रहे थे तो वे मतलब कहीं कंपनी में पहले काम करता था तब ने इतना जानकारी था उसको सर, पूछ रहा था क्वेश्चन कौन है मतलब इसके बिफोर दो दिन पहले क्लास जो लिए थे मैं थर्ड में कौन सा था जो क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो पहले से कहीं ड्राइंग इसका प्रैक्टिस किया होगा तभी तो पूछता होगा सर। हाँ हाँ, ड्राइंग का जब तक वो क्लास नहीं करेगा तो ऐसे उसको आइडिया नहीं लगेगा, इसीलिए है ना।
ड्राइंग का जब तक क्लास नहीं करेंगे, ये सारा चीजें जब तक ड्राइंग शीट पे बनेगा नहीं, तो वो एक बार भी अपना लाइफ में बना लेंगे तो आपको याद रहेगा, है ना। ये आपको ऑर्थोग्राफिक सिंबल है, ये आइसोमेट्रिक सिंबल है, ज्वाइंट का, रिड्यूसर का, एल्बो का, टर्न अप का, टर्न डाउन का, ये सारे सिंबल आपको दिए हुए हैं, है ना। यूनियन का, यूनियन ज्वाइंट किस तरह होता है, होज निप्पल किस तरह का होता है, ये आपको सिंबल दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर इमेज दिया हुआ है वाल्व का, वाल्व का सिंबल दिया हुआ है, ग्लोब का, वाल्व का, ये सारे सिंबल आपको ड्राइंग में आपको यूज होता है, बटरफ्लाई नीडल ये आपको यूज होता है ना जी। और ये आपको यहां पर आपको दिया, आपको आपको बता रहा है रिडक्शन ऑफ द स्केल, स्केल इसको बोलते हैं। कोई भी ड्राइंग जो बनाते हैं, कभी फुल स्केल में बनाते हैं, उसको बोलते हैं 1:1 जी सर, और रिडक्शन स्केल 1:2 अगर हाफ ड्राइंग में बनाते हैं उसको 1:2 बोलते हैं, 5 भाग घटा दिए तो 1:5 बोलते हैं, 10 भाग घटा दिए तो 1:10 बोलते हैं, इसी तरह ये आपको रिडक्शन स्केल है ना। ये आपको आपको रिडक्शन स्केल है जो यहां पर आपको दिखाया गया है ना। साइज ऑफ द कंपोनेंट इन द ड्राइंग, एक्चुअल साइज ऑफ द कंपोनेंट, ये आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बताता है ना, ये आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बताता है। तो यही आपको स्केल है, ये स्केल के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दिया हुआ है ना, स्केल के बारे में आपको जानकारी दिया हुआ है। तो ये वाला बुक में आपको यहीं तक आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना जी। तो डिफरेंट टाइप का आज उसमें सैंपल था, है ना जी जी। फिर से मैं आपको आपको रिवीजन कर देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग है जो पहले आज जो हम लोगों ने किया था, पिक्टोरियल ड्राइंग, पिक्टोरियल ड्राइंग, पिक्टोरियल ड्राइंग जो कॉमन आदमी को अंडरस्टैंड में आ जाए उसको पिक्टोरियल ड्राइंग बोलते हैं। इट इज कॉल्ड द थ्री डायमेंशनल ड्राइंग, इसको थ्री डायमेंशनल ड्राइंग को पिक्टोरियल ड्राइंग बोलते हैं, है ना। ये जो है पिक्टोरियल ड्राइंग आर वेरी यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग द शेप ऑफ ए पीस आर्ट और कंपोनेंट, उसके लिए आपको जरूरी है। Three type of the pictorial drawing are the isometric drawing, oblique drawing and the perspective drawing. ये तीन तरह का आपको pictorial drawing होता है। यहाँ पर आपको तीनों आपको दिखाया हुआ है, isometric, oblique और perspective, है ना? ये तीन तरह का होता है, ये तीनों आपको दिखाया हुआ है। isometric drawing में 180 degree पे जो axis है वो आपको यहां पर ये एक्सिस आपको दिखाया हुआ है, 180 डिग्री में एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, इसीलिए इसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। और उसको जो है ये 30 डिग्री का एंगल पे ड्रॉ करते हैं, और ये एक्स वाई एंड जेड, है ना, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ये ब्लॉक का यहां पर आइसोमेट्रिक व्यू आपको यहां पर आपको दिखाया हुआ है ना। तो इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाता है कि एक्स एक्सिस में कितना लेना है, वाई एक्सिस में कितना लेना है और जेड एक्सिस में कितना लेना है ना। ये आपको आइसोमेट्रिक लाइंस है, आइसोमेट्रिक बॉक्स है, वो आपको यहां पर दिखाया गया है ना, ये आपको यहां पर दिखाया गया। ये आइसोमेट्रिक एक्सिस चार पोजीशन में दिखाया गया है ना, चार पोजीशन में आपको दिखाया गया है, यहां पर फोर पोजीशन में आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग दिखाया गया है। यहां पर ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म का आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना।
ये 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर ये एक्स बनाएंगे, ये वाई बनाएंगे, ये जेड बनाएंगे, ये और ये आपको थ्री डायमेंशनल व्यू आपको इसमें बनता है। एलसेप्ट ब्लॉक का आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग आपको इस तरह का होगा, है ना? एलसेप्ट ब्लॉक का आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग आपको इस तरह का होगा। यहां पे एक्स एक्सिस हो गया, यहां पे वाई एक्सिस हो गया, यहां पे जेड एक्सिस हो गया। एलसेप्ट ब्लॉक का आपको इस तरह होगा, स्टेप्ड ब्लॉक का आपको इस तरह होगा, स्टेप्ड ब्लॉक का आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग आपको इस तरह का होगा। ये 30 डिग्री का एंगल हो गया और ये आपको ब्लॉक हो गया, ये आपको हॉलो ब्लॉक हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये आपको हॉलो ब्लॉक हो गया, ये आपको हॉलो ब्लॉक हो गया। आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग आपको ये चार ऑब्जेक्ट का आपको यहां पर आपको दिखाया गया, रेक्टेंगुलर प्रिज्म दिखाया गया, एल शेप ब्लॉक दिखाया गया, स्टेप ब्लॉक दिखाया गया, हॉलो ब्लॉक आपको दिखाया गया, है ना? ये आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग आपको यहां पर आपको दिखाया गया। ये आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग दिखाया गया है ना? 30 डिग्री पे लाइन ले लिया और फिर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस ये ले लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस ये आपको ले लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस, है ना? ये फिगर आपको समझ में आ गया? जी सर। हाँ, ये आपका सर, इसका सर आपका, आपके पास प्रैक्टिस कराने के लिए ना है कोई ऑप्शन सर? जैसे कुछ भी मतलब है ऐसा फिगर के बारे में ये जैसे बता रहे हैं, वो एक क्वेश्चन पे कोई प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास नहीं है ना? नहीं, प्रैक्टिस नहीं कि क्या कहना चाह रहे? बोल रहे कि आपके पास प्रैक्टिस कराने के लिए थी ना ऐसा ऑनलाइन क्लासेस, इस पे ऐसे बनाया जाता है जैसे फिगरे है मान लीजिए, तो हम कैसे बनाएंगे? देखने के बाद तो लगता है, लेकिन जब कॉपी और पेन लेके डिजाइन बनाना चाहते हैं तो प्रोसेस हिसाब से बना नहीं पाते हैं, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाता है ऐसे, कोई थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाह रहे थे। वो ड्रॉइंग में आपको वहाँ पे समझाना पड़ेगा, मैं समझ गया। प्रैक्टिकल जो है वो क्लास में आपको ड्रॉइंग शीट पे आपको समझाना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। वो ड्रॉइंग शीट में आपको आपको सामने वो आपको समझाना पड़ेगा, एक एक लाइन जो है कैसे बनता है, नहीं बनता है। जी 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 सर। हाँ, तभी आपको वो क्लियर होगा, वो है ना? आप कह रहे हैं कि वो जब तक सामने सामने खड़ा नहीं होगा ना, तो वो जो है वो सामने जब तक के ये तो फिगर समझ में आ जाता है ना, लेकिन वो जब बनाने जाते हैं तो वो बनता नहीं है। सही कह रहे हैं वो तो। और ये सर जो है जितना भी एंगल ऑफ इकोनॉमी ड्राइंग, ये हाँ, सब मतलब पार्ट इसी तरह बनाना पड़ता है क्या सर वहाँ पे? ये जो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इंडस्ट्री में जो है इसी तरह बनाना पड़ता है, इसी तरह बनाना इसी तरह वहाँ पे पार्ट बनाना पड़ता है सर ना? हाँ, ड्रॉइंग तो ऑनलाइन का तो है ही नहीं, वो तो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ इसी, ये तो प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल ड्रॉइंग शीट है, प्रॉब्लम उसमें दिया जाता है और फिर ड्रॉइंग हॉल में बनाया जाता है। जी जी, ड्रॉइंग शीट पे तभी तो होगा, ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो थ्योरी तो है ही नहीं। जी सर, ये तो मेनली प्रैक्टिकल है, तो मैं आपको इस तरह क्या है वो एक रफ आइडिया आपको वहां पे मिल जा रहा है, लेकिन मेनली तो ये जो है आपको प्रैक्टिकल है, ये ड्राइंग तो प्रैक्टिकल है। तो जैसे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि आइसोमेट्रिक जो है ड्राइंग किस तरह बनेगा, वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन जब बनाएंगे तभी उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आपको क्लियर होगा। जी सर, जी सर। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल है ना मेनली। इससे ज्यादा सर थ्योरी पर समझने में तब ज्यादा होगा ऑनलाइन सर? हाँ, तो मैं तो आपको थ्योरी जैसे बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर 30 डिग्री का एंगल लीजिए, फिर एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर लीजिए, फिर वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लीजिए, फिर जेड एक्सिस में ड्रॉ कर लीजिए, है ना?
जी सर, तो इसमें ये आपको, हम ये बोल रहे थे सर हाँ कि जैसे तो ड्राइंग वाइज से जो और थ्योरी सब है चैप्टर में, तो वे सब तो और पढ़ने में तो अच्छा लगता होगा सर का। ये तो ड्राइंग है, थोड़ा सा फिगर है तो समझने में प्रॉब्लम होता है बनाने में। थ्योरी जब समझाइएगा तो और इजी लगेगा सर। हाँ, थ्योरी थ्योरी जो समझाएंगे, तो जो थ्योरी है आपको ऑनलाइन जितना संभव होगा वो मैं आपको ऑनलाइन आपको कर दूंगा। जी सर, ऑनलाइन तो ऑनलाइन में तो ये तो ड्राइंग तो एक्चुअली प्रैक्टिकल है, आपको सामने खड़ा होकर के ये जैसे आइसोमेट्रिक ये ड्राइंग मैं दिखा दिया आपको, ये जब तक बनाएंगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा। हाँ जी सर, इससे हुआ कि 50% आपको नॉलेज हो रहा है कि इस हाँ अनुकूल से है, आप हाँ जब बिल्कुल बनाइएगा बिल्कुल तो कुछ समझ में आएगा बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सही कह रहे कि वो 50% आपको नॉलेज हो रहा है इस तरह आइसोमेट्रिक। का हाँ अनुकूल आइसोमेट्रिक है, ग्रुप ड्राइंग जिस स्टेप समय वन ड्राइंग आपके हैं। बनाएंगे उसमें जल्दी भी 9 याद आ जाएगा ना सर। हाँ, जी सर, ठीक है सर, आगे बताइए। जी है ना, तो सर, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको यहाँ पर बताया हुआ है, सारा डायमेंशन आपको दिया हुआ है। आपको जब तक आप इसको इसको बनाएंगे नहीं प्रैक्टिकली, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे जो है आगे स्टेप वाइज प्रोसेस जो है वो लेके बढ़ा जाए, है ना। मैं जी समझ देखे कि बिफोर पहले क्लास बोला मैं, हाँ देखो भाई जो क्वेश्चन आपसे कर रहा था तो बहुत अच्छा कर रहा था कि ये कैसे बनेगा, इसका क्या होता है, उसका समझ में हमको अच्छा लग रहा था कि कहीं प्रैक्टिस क्या हुआ है, कहीं मशीन हाँ पे ड्राइंग बनाया हुआ है, हाँ इसीलिए हाँ वो क्वेश्चन ना पूछ रहा था। क्या हाँ हाँ कोई ये आपको दिक्कत बी नहीं ब्लॉक, सर? बी ब्लॉक का यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये आपको जेड एक्सिस हो गया, है ना। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया, जी ये आपको बी ब्लॉक का आपको बता रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये आपको बी ब्लॉक का बता रहा है ना। जी सर, तो और दूसरा, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू फ्रॉम द गिवन ऑर्थोग्राफिक व्यू, यहाँ पे आए तो ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया हुआ है, टॉप व्यू दिया हुआ है, फ्रंट व्यू दिया हुआ है ना, इसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको बनाना है ना। यहाँ भी दिया हुआ है, ये सारे का टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू दिया हुआ है, इसका ऑर्थोग्राफिक आपको बनाना है ना। जी ये आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग था, वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग था, यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए ये आपको दिया हुआ है। तो घर में प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। हाँ, इसको पेंसिल से बनाना होगा देख देख के। हाँ देख देख के बनाइए इसमें, तो आपको इसमें आपको आपको क्लियर होगा। पर्सपेक्टिव में आपको ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहलाता है, जी ये आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहलाता है ना, ये आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग कहलाता है। ये बिल्डिंग वगैरह का जो ड्राइंग होता है उसको पर्सपेक्टिव ड्राइंग बोलते हैं। जी बिल्डिंग वगैरह का ड्राइंग जो है उसको पर्सपेक्टिव ड्राइंग उसको बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप का कॉन्वेंशन, जो फास्टनर बोल्ट नट के बारे में, वो फिर यहाँ पर आपको सैंपल के बारे में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये मैं आज दोबारा ये जो है पीडीएफ अभी भेज देता हूँ, है ना। जी सर, जी हाँ अब टाइम आप खत्म पीडीएफ हो रहा भेज है। हाँ दीजिएगा हम सर। हम मैं अभी तुरंत भेज देता हूँ, जी जी सारा इसमें कन्वेंशन वगैरह दिया हुआ है, तो पीडीएफ मैं जो है आपको भेज देता हूँ, है ना। ये सर, ये सब पूछ रहे थे सर थोड़ा हाँ सा, ये जो अति जो है सिंबल से जो ये बता रहे हैं ये वाला हाँ हाइलाइट का, इसमें मतलब ये चीज कहाँ पे उपयोग किया जाएगा सर, सिंबल सबका? सिंबल तो यूज किया जाता है ना, जो जो सिंबल उसमें यूज किया जाता है ड्राइंग में, वो सिंबल सारा आपको दिया हुआ है ना। ये वेल्ड हाईलाइट वेल्ड, हाँ सारा सिंबल तो आपको ये, यहाँ पे दिखा रहा है ना, वेल्ड वेल्ड ब्रास एंड शोल्डर ज्वाइंट में जो जो यूज किया जा रहा है। हाँ सिंगल वी बोल्ट हाँ मतलब, तो ये मतलब कहीं मतलब ड्राइंग में उपयोग किया जाता है सर हाँ ना? ड्राइंग में अच्छा यूज किया जाता है, जी सर, सिंगल ड्राइंग में यूज किया जाता है ना। वी बोल्ट ये सब हाँ डबल बोल्ट ठीक। हाँ ड्राइंग में यूज किया जाता है उसका।
ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना। ये जो एसी जो दिया हुआ सर, हाँ इसका सिंबल है, मतलब हम सोच रहे थे कि ये जो एसी कूलर नहीं होता उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, कोई साथ नहीं होगा सर। अच्छा, नहीं, ये सिंबल दिया हुआ है। एसी का सिंबल ऐसा होना होगा, हाँ डीसी का सिंबल होगा। हाँ पॉजिटिव नेगेटिव सिंगल फेज थ्री फेज है ना, एसी डीसी थ्री जी, फेज लाइन न्यूट्रल लाइन अर्थ, ये सिंबल दिया हुआ है ना, ये आपको सिंबल दिया हुआ है। इसका भी प्रयोग ज्यादा किया जाता है सर ना ड्राइंग में। हाँ ड्राइंग में जो जो प्रयोग किया जाता है ना वो सैंबल यहाँ पे आपको जी दिया हुआ है। इंडस्ट्री में ये सारा मैनुअल आपको रखा रहता है, और जहां पर आपको जरूरत है वो सैंबल, आपको दिक्कत है तो आप जाके देख लीजिए। सर, अच्छा भेज दीजिएगा सर इसको सारा PDF इसकी DC उतार हाँ के बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसको अभी याद तुरंत कर। मैं आपको जो है ये आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ ना। जी जी ये पाइपिंग ज्वाइंट्स का आप बारे में दिया हुआ है, रिड्यूसर एल्बो जी सर, टर्न अप टर्न डाउन, ये सारे सिंबल आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये सिंबल जो है आपको दिया हुआ है, गेट ग्लोब वाल्व प्लग, ये सारे सिंबल आपको दिया हुआ जी सर, है ना, है ना। ये स्केल है, स्केल के बारे में बता रहा है कि फुल स्केल है तो 1:1 होगा, रिडक्शन स्केल 1:2, 1:5, 1:10, 1:20। इसका सर का आप फुल स्केल जो है सर, हाँ ये क्या चीज बनाने में इसका पॉइंट कम किया जाएगा सर? अच्छा, देखिए बिल्डिंग का ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो उसमें स्केल जो है कम कर देते हैं। बिल्डिंग बड़ा लार्ज साइज का होता है ना, रोड वगैरह का ड्राइंग बनाते हैं, ब्रिज का ड्राइंग बनाते हैं तो स्केल उसको कम कर देते हैं। मशीन का ड्राइंग जो जी बनाते हैं वो स्केल 1:1 में बनाते हैं, सर, मशीन का जो बनाते हैं 1:1 में बनाते हैं, और बिल्डिंग वगैरह का जो है वो आपको उसको उसको कम कर देते हैं। जी तो ये आपको स्केल दिया हुआ है, रिडक्शन फैक्टर साइज ऑफ द कंपोनेंट इन द ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल साइज ऑफ द कंपोनेंट, इसको रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं, डेफिनेट डिफ्रैक्शन। जी तो ये स्केल के बारे में आपको यहाँ पर आपको जानकारी देता है ना। तो जी है ना, तो आपको हम अभी जो है इसको भेज देते हैं, है ना, ठीक है अभी मैं भेज देता जी